हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें इंटीग्रेशन करना है 10x, 10 2x, 10 3x का। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना होगा एक लीनियर टर्म में। तो वो करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, 10 3x को हम लोग लिख सकते हैं 10 2x प्लस एक्स, ठीक है जी। और 10a+b का फॉर्मूला होता है हमारा, 10a+b इज इक्वल टू 10a+10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये a और ये b, तो क्या आएगा 10 2x प्लस का 10x अपॉन में 1 माइनस 10 2x इंटू में 10x, यहाँ पे इक्वल टू में 10 3x, ठीक है। अब इस वो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो आएगा यहाँ पे 10 3x 1 माइनस 10 2x इंटू में 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस का 10x। 10 3x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 10 3x माइनस का 10 3x इंटू में 10 2x इंटू में 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस का 10x, ठीक है जी। अब इस पार्ट को उस तरफ लेके जाएंगे और इसको इधर ले आते हैं ताकि आपकी 10x, 10 2x, 10 3x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे आएगा 10 3x माइनस का 10 2x माइनस का 10x इज इक्वल टू 10x इंटू में 10 2x इंटू में 10 3x, ठीक है जी। अब आप इस वैल्यू की जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x माइनस का 10 2x माइनस 10x, ठीक है जी। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज माइनस लॉग मोड कॉस एक्स या फिर लॉग मोड में सेक एक्स, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 10 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का लॉग, अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखूंगा तो आएगा कॉस 3x, और 3x का जो डेरिवेटिव होगा नीचे आ जाएगा, आएगा 3। फिर माइनस माइनस प्लस का लॉग मोड में कॉस 2x अपॉन में 2, फिर प्लस का लॉग मोड कॉस एक्स प्लस का सी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।